मित्र नमस्कार। मित्र, सऊदी अरब के अंदर मक्का में काबा के सामने एक मुसलमान ने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। खासकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इस वीडियो को बहुत देखा जा रहा है और सबसे ज़्यादा ये जो वीडियो है ये नज़र आ रहा है मुसलमानों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। और ये जो पूरा वीडियो है ये खुद ही बड़ी फजीहत करता है मुसलमानों के सारे जो जिहादी विचारधारा है उसको लेकर के, उनकी जो रणनीति है उसका बहुत बड़ा एक तरह से उस पर कुठाराघात करता है। हुआ क्या बड़ा, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला है क्या। दरअसल मित्र, जहाँ पर काबा की मस्जिद है, जहाँ पर काबा है, उसी काबा के जस्ट सामने ही KFC, आप जानते हैं एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है फास्ट फूड का, KFC। तो KFC की जो है पूरी एक बड़ी शॉप है और उस शॉप के सामने से खड़े होकर एक मुसलमान ने वीडियो बनाया और वीडियो में ये लिखा कि जब से इजराइल ने, वीडियो में ये बताया कि जब से इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर हमला बोला उसके बाद से ही पूरी दुनिया के मुसलमानों ने एक मुहिम चलाई कि जितने भी अमेरिका के प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेप्सी, कोका कोला, KFC, इन सब का जो मुसलमान है वो बहिष्कार करेंगे। लेकिन उसने ये बताया कि काबा के सामने ही जो बड़ी दुकान है, बड़ी शॉप है, वो KFC की वहाँ पे खुली हुई है और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में मुसलमान जाके, लाखों की संख्या में जाके मुसलमान वहाँ पे KFC का आनंद ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो तो वायरल हो गया, लेकिन इसके बाद जो है उस हाजी के साथ जिसने कि ये वीडियो बनाया, और दरअसल ये वीडियो में अगर देखा जाए तो मुसलमानों को तो शर्मिंदा किया ही उसने, उस मुसलमान जिसने वीडियो बनाया उसने मुसलमानों को भी फजीहत की ही है, उसने इस्लाम की फजीहत भी कर दी। और इसके अलावा उसने अगर देखा जाए तो सऊदी अरब की सरकार की फजीहत भी कर दी। यही वजह है कि उसके साथ सऊदी अरब की सरकार ने जो किया वो तो और भी दिलचस्प है उस वीडियो बनाने वाले के साथ में। लेकिन पहले जरा देखिए इसने वीडियो में बोला क्या है। हम सब कह रहे हैं कि KFC को बॉयकॉट करो, मैकडॉनल्ड को बॉयकॉट करो, पेप्सी थम्स अप को बॉयकॉट करो, वो सारे बॉयकॉट इसराइल प्रोडक्ट्स। लेकिन मैं अभी मस्जिद हरम में खड़ा हूँ, मक्का में, काबा शरीफ के बाहर जो मस्जिद है, मस्जिद हरम, उसके बाहर ये है KFC। यहाँ पे ये KFC है और यहाँ पे कोई गैर नहीं है, सारे के सारे मुस्लिम ही है। और KFC की लाइन मैं दिखा देता हूँ कि लोग कैसे शौक से खा रहे हैं, खरीद के इस सारी लाइन लगी हुई है पूरी की पूरी KFC में, सारे लोग खा रहे हैं। जो चीज यहाँ पे लोग चाहते हैं कि एक मिनट का काम नहीं, इन लोगों का बैन करना, लेकिन वो नहीं कर रही है सऊदी हुकूमत। क्यों नहीं कर रही जरा इस बारे में सोचिए। मैकडॉनल्ड्स वगैरह काफी है, मैं सारी चीजें आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे पेप्सी है, खाने वाला मुस्लिम। ये यहाँ पे KFC, बेचने वाले भी मुस्लिम, खाने वाले भी मुस्लिम, और जो लाइन लगी हुई मुस्लिम। यहाँ पे पेप्सी का बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे भी काफी लोग खा रहे हैं, ये भी मुस्लिम पेप्सी पी रहे हैं। तो देखा मित्रों आपने, कई ऐसे मिडिल ईस्ट के जो न्यूज़पेपर्स हैं जो मैं पढ़ता हूँ, कई अखबारों में इस तरह की बातें छपी हैं कि इस वीडियो बनाने वाले शख्स के साथ में जो पुलिस है मक्का की, उसने इसको पकड़ा है और इसको बहुत जम करके इसकी पिटाई की है। और पिटाई इसलिए की है क्योंकि वहाँ पर सऊदी अरब की सरकार के किसी फैसले पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। वहाँ पर एक समझ लो राजशाही कह लो, तानाशाही कह लो, जो भी कह लो, वहाँ पर सुल्तान वाली बात है कि सुल्तान की हुकूमत है, कोई बात सुनी नहीं जाती। इसके ऊपर सर पर जो जिहाद का पूरा एक भूत सवार था, उस सारा जिहाद का भूत जो है वो सऊदी अरब की सरकार ने उतारा और इसको फिर इसके देश रवाना कर दिया और कहा कि दोबारा तुम्हें कभी यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जरा देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी आप देखिए, जब भी सऊदी अरब के मक्का के अंदर काबा के परिसर में किसी ने भी इस्लाम से जुड़े किसी मुद्दे पर क्रांतिकारी बात करने की कोशिश की या कोई नारा बुलंद किया, आंदोलन करने खड़ा करने की कोशिश की, तो उसको किस तरह से लतियाया है ये बताने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको और आगे तमाम इसके उदाहरण दिखाता हूं अभी। मित्रों, सऊदी अरब का मक्का मदीना इस्लाम के लिए एक बहुत ही पवित्र शहर माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मक्का मदीना के अंदर जो काबा है उसके आसपास का जो पूरा इलाका है, वहां पे कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कुछ इस तरह के अपराध हो रहे हैं कि उसको लेकर के इस्लाम के 57 इस्लामिक मुल्कों में इसको लेकर चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा इसमें बदनामी जो है पाकिस्तान की हो रही है।
दोस्तों वहां पे जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के सऊदी अरब के अंदर शरीयत को ध्यान में रख के सजाएं भी दी जाती हैं, हाथ भी काटे जाते हैं, सर भी कलम किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों वहां पर जो है कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये पूरा मामला क्या है आपको हम बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे, लेकिन आपसे उससे पहले एक मेरी प्रार्थना है कि ये हमारा बारकोड है, आप हमारा वीडियो देखते हैं, आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं, तो आप जरूर हमारा सपोर्ट भी कीजिए। एक ये नंबर है 8376862585, इस पर गूगल पे भी है, फोन पे भी है, पेटीएम भी है, आप चाहें तो इस पर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप भी है, आप चाहें तो अपनी रसीद ये रिसिप्ट इस पर आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। मित्रों पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से बहुत ही शर्मनाक लम्हा सामने आया है। दोस्तों दरअसल मामला यह है कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो मक्का मदीना है वहां पर जो काबा है, यानी काबा को मस्जिद नहीं बोलते, काबा तो एक स्थल वहां पे है, और काबा के आसपास का जो इलाका है आप देखेंगे तो काबा को तो वहां पे आसपास आपको पूरा एक इमारतें मिलेंगी। दरअसल वो बहुत बड़ी मस्जिद है और उसको बोलते हैं इस्लाम के अंदर बहुत ही पवित्र मस्जिद उसको मानते हैं और उसको कहते हैं मस्जिद हरम। तो दोस्तों ये जो मस्जिद हरम है यहां पर जो है लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग यहां पे आते हैं, पूरे दुनिया से आते हैं, लेकिन यहां पर जो है सबसे ज्यादा पॉकेट मारी की जेब कतरने की घटनाएं हो रही हैं, लाख हजारों की संख्या में वहां पे मोबाइल हर हफ्ते चोरी हो जाते हैं। तो ये जो पूरी वहां पे घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के बारे में जब एक रिसर्च की गई, जब वहां पे जांच की गई तो जानकारी ये मिली कि इन सभी घटनाओं को अंजाम देने वाले जो लोग हैं, जो जेब कतरे हैं, वो 90% मित्रों पाकिस्तानी हैं। और जब ये जानकारी मिलती है दोस्तों सऊदी अरब की सरकार को, तो सऊदी अरब की सरकार जो है वो पाकिस्तान की सरकार से इस संदर्भ में बातचीत करती है, उनको समझाती है और कहती है कि आप हमारे यहाँ पे जो है पॉकेट मार्स भेजना, जेब कतरे भेजना बंद कीजिए। लेकिन इस पर जो है पाकिस्तान की सरकार ने अब तक इस पर कोई रोक नहीं लगा पाई, क्योंकि होता क्या है मित्रों की लोग, आप सोचिए कितने हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बाकायदा वीजा लेकर के जाते हैं और वीजा लेकर के वहां पे जाके भीख मांगते हैं और वहां पे जाके जेब कतरी का काम करते हैं, वहां पे जाके पॉकेट मारी करते हैं, वो भी एक ऐसी जगह पे जो कि एक दो नहीं मित्रों 57 इस्लामिक मुल्कों के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह है, वहां पे जाके पाकिस्तान के लोग जो है वो जेब कतरते हैं। तो अब मित्रों इसमें अब सऊदी अरब की सरकार ने भी बहुत ही सख्त रुख अपना लिया है और वो लगातार इस तरह की घटनाओं पर एक्शन ले रही है और पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनको सैकड़ों की संख्या में जो है सऊदी अरब के अंदर से, खासकर इन इलाकों के अंदर से जहां पे घटनाएं हो रही हैं जेब कतरी की, वहां से जो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और कई मामलों में मित्रों उनको जो है सजाएं दी जा रही है, हाथ भी काटे जा रहे हैं, क्योंकि शरीयत के हिसाब से जो सजा है वहां पे वो हाथ काटना है और इसी तरह से वहां पे सर भी कलम किए जाते हैं। आप जानते होंगे सऊदी अरब कितना सख्त मुल्क है, वहां पे शरीयत लागू है और उस हिसाब से वहां पे फैसले किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी मित्रों पाकिस्तान में कोई सुधार नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान की जो सरकार है अगर देखा जाए तो पूरी तरह से नतमस्तक नजर आ रही है। सऊदी अरब जो है एक तरह से पाकिस्तान की सरकार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे रहा है और इसके बाद भी जो पाकिस्तान की सरकार है वो सऊदी अरब के कदमों में बिछी सी हुई है। उसकी मित्रों वजह यह है कि सऊदी अरब जो है वो एक तरह से इस्लाम का जन्म स्थल है, इस्लाम का धर्म स्थल माना जाता है बहुत बड़ा, और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान की सरकार है, वो ये मान के चलती है कि ये सऊदी अरब है ये तो उनके आका की तरह है और हम जो है उनके गुलाम की तरह है। यहां तक कि मित्रों जब सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान जब वो पाकिस्तान आए थे तो उसमें पाकिस्तान के जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे उन्होंने स्वयं जो है मोहम्मद बिन सलमान की कार को ड्राइव किया था। तो और जैसा कि किरण आपका मैं कह रहा था आपको कि इमरान खान जो है ड्राइविंग सीट पे, तो आज हम कह सकते हैं कि पीएम इमरान खान इज ऑन द ड्राइविंग सीट और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो उसी गाड़ी में मौजूद है उनके बिल्कुल बराबर में। तो आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तानी है उनके अंदर कितनी ज्यादा हीन भावना घुसी हुई है इस चीज को लेकर के, और वो सऊदी अरब के लोगों को एक तरह से वहां के जो शेख हैं, जो बद्दू हैं, उनको अपना आका समझते हैं और इसी वजह से वहां पे जो कुछ भी घटनाएं हो रही है उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं। मित्रों ये तो कुछ भी नहीं है, जेब कतरी के विषय में जो कुछ भी आगे बताऊंगा मित्रों, किस तरह सजाएं दी जा रही हैं, किस तरह वहां पॉकेट मारी चल रही हो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात मित्रों ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है मित्रों हर साल जो है 10,000 लड़कियां, पाकिस्तान की 10,000 लड़कियां हर साल जो है सऊदी अरब के जो अमीर लोग हैं, जो शेख हैं, वो उठाकर ले जाते हैं या उनसे जो इस्लाम के नाम पर जो कुछ इनका निकाह होता है मुता निकाह उसके नाम पर वहां पे ले जाते हैं उठा के उनको, इसके बाद वहां पे उनसे अयाशी करते हैं 15-20 दिन, 1 महीने 2 महीने, और फिर इसके बाद उनको छोड़ देते हैं। तो पाकिस्तान की सरकार का भी ये जांच भी नहीं करती है कि आखिर उनकी लड़कियां जो वहां पे गई हैं मुता निकाह करके उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या बीत रही है, इस पर वो कोई कभी चर्चा नहीं करते, कभी कोई बात नहीं करते। और मित्रों जो पाकिस्तान के लोग हैं वहां पे इतनी ज्यादा गरीबी हो गई है कि उनको लगता है कि चलो ठीक है कोई पाकिस्तान से सपना देखते हैं वो लोग कि कोई पाकिस्तान से कोई शेख आएगा और वो कोई पाकिस्तान से शेख आकर के उनकी बेटी को ले जाएगा और इस तरह से जो है उनकी बेटी का बोझ उनके सर से उतर जाएगा। तो ये मित्रों बहुत ही बड़ी एक समस्या बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस पर
कोई भी पाकिस्तान की सरकार इस पर ध्यान देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन सऊदी अरब जो है वो अगर देखा जाए एक तरह से तो वहां पे एक जानते हैं आप मित्रों कि वहां पे 3-4 शादियां करने का वहां पे रिवाज है, और वहां पे तो कहते हैं कि अगर किसी ने एक शादी की तो हंसते हैं लोग उसके ऊपर कि अरे तुमने एक ही शादी में पूरी जिंदगी गुजार दी। तो अब होता क्या है मित्रों, इतनी लड़कियां वहां कहां से आएंगी? तो होता क्या है मित्रों कि चाड, म्यांमार, बांग्लादेश और खास तौर पे जो पाकिस्तान है मित्रों, वहां से सबसे ज्यादा लड़कियां जो पाकिस्तान के अमीर लोग होते हैं जिनके पास तेल के कुएं हैं, बड़े बड़े शेख जो लोग होते हैं, वो आकर के यहां से लड़कियों को, औरतों को ले जाते हैं और उनको वहां पे शुरुआत में उनके साथ अयाशी करते हैं और बाद में उनको एक तरह से अपना मेड बना करके रख लेते हैं, और अगर उनका मन उससे भर जाए तो उनको मार भी देते हैं। ऐसी भी बहुत सी घटनाएं सामने आती हैं मित्रों। सऊदी अरब के जो शेख लोग हैं उनको सबसे ज्यादा पाकिस्तान की लड़कियां पसंद आती हैं, और इसीलिए वो पाकिस्तान की लड़कियों को सबसे ज्यादा उठाकर ले जाते हैं या उनको मुता निकाह के नाम पर उनको सऊदी अरब ले जाते हैं। उसकी मित्रों एक ऐतिहासिक वजह भी है दोस्तों। ये जो पूरा रीजन पाकिस्तान का है इसको हमारे संस्कृत के जो शब्दकोश हैं उनमें इसको मद्र देश कहा गया, और मित्रों मद्र देश की जो स्त्रियां हैं उनकी सुंदरता की प्रशंसा जो है सदैव होती रही है। और अगर देखें तो पांडव की जो दो पत्नियां थी पांडु की, उनमें एक नाम तो कुंती था, दूसरा नाम उनका माद्री था, और जो माद्री थी वो मद्र प्रदेश की ही रहने वाली थी और उसका नाम भी माद्री था। और ये जो पूरा मद्र का इलाका पड़ता है ये आज पाकिस्तान में पड़ता है, अब ये इलाका हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ की जो स्त्रियां हैं आज भी बहुत ही सुंदर होती हैं। और यही वजह है कि यहाँ से सबसे ज्यादा जो है जो सऊदी अरब के लोग हैं वो औरतों को उठा उठा कर ले जा रहे हैं। और मित्रों तो पाकिस्तान की सरकार ने तो इस पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन जो सऊदी अरब की सरकार है वो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में अगर पाकिस्तान से और दूसरे देशों से अगर लड़कियां या औरतें वहां पे आएंगी सऊदी अरब के अंदर तो उनकी नस्ल जो है बिगड़ जाएगी। यही वजह है कि उन्होंने अपनी इस चीज को ध्यान रखते हुए उन्होंने अब एक नियम बनाया है, एक कानून बनाया है। और मित्रों वो कानून ये है कि अब कोई भी पाकिस्तान की लड़कियों को अगर सऊदी अरब के अंदर ले जाना चाहता है, सऊदी अरब का कोई नागरिक अगर किसी पाकिस्तानी लड़की शादी करना चाहता है, तो सबसे पहले सऊदी अरब के उस नागरिक को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी जो पत्नी वहां पर रह रही है वो बाज है, या वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, या फिर उसके अंदर कोई परेशानी कोई कमी है, या वो विकलांग है। अगर इस तरह की चीजें वो जब बता देंगे साबित कर देंगे तभी वो पाकिस्तान की लड़कियों से शादी कर पाएंगे, और पाकिस्तान की लड़कियों से शादी करने के लिए आप सऊदी अरब के नागरिकों को जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि सऊदी अरब में इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई है लड़कियों की जो पाकिस्तान की है कि वहां की सरकार को इस तरह का जो है डिसीजन लेना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो शर्म की बात है मित्रों वो पाकिस्तान की सरकार के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़कियां जो है सऊदी अरब के शेख ले जा रहे हैं मित्रों, पाकिस्तान की लड़कियों को अगर देखा जाए तो जो चीन के लोग हैं वहां भी शादियां हो रही हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊं ऐसी तमाम घटनाएं सामने आई हैं जिसमें कि चीन के जो नागरिक हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहले इस्लाम को स्वीकार किया, फिर इसके बाद किसी पाकिस्तानी लड़की से उन्होंने निकाह कर लिया और इसके बाद उसको चीन ले गए और वहां उसको वेश्यावृत्ति के जाल में धकेल दिया। ऐसी हजारों लड़कियां हैं पाकिस्तान की जो कि चीन के अंदर इस तरह की जिंदगी को जी रही हैं, लेकिन मित्रों इसके बाद भी पाकिस्तान की सरकार के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगती है। और वो कश्मीर में तो बहुत हल्ला करता है कि कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, लेकिन जो उसकी बेटियों को उठा कर चीन और सऊदी अरब ले जा रहे हैं उसको लेकर के जो है पाकिस्तान सरकार ने अपनी आंख मूंदी हुई है, शायद इसलिए क्योंकि चीन से उसने बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ है, और दूसरी तरफ जो सऊदी अरब है उसको उससे भी काफी कर्जा लिया हुआ है। लेकिन सऊदी अरब को वो इज्जत देते हैं और सऊदी अरब को अपना आका मानते हैं, शायद तो उनको लगता है कि ये एक गुलाम का फर्ज है कि वो उनको अपनी बेटियां इस तरह सौंपता रहे। मित्रों पाकिस्तान की कई मीडिया रिपोर्ट्स ये बात कहती हैं कि लगभग 5 लाख लड़कियां पाकिस्तान की जो है सऊदी अरब जा चुकी हैं अब तक। और इस संदर्भ में मित्रों जितने भी लिंक हैं इस खबर को लेकर के, मैं जो वीडियो बना रहा हूं इस खबर को लेकर जितने भी न्यूज़ लिंक्स हैं ज़्यादातर अरबी भाषा में है या उर्दू भाषा में है, और मैंने वो सारे जो लिंक्स हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए मित्रों। तो दोस्तों अब जरा उस मुद्दे पे आते हैं जिसका जिक्र हमने आपसे शुरुआत में किया था कि पाकिस्तान की जो जेब कतरे हैं उनसे किस तरह से सऊदी अरब के लोग जो है बहुत ज्यादा मित्रों परेशान हो चुके हैं। दोस्तों इस विषय पर जो है कई वीडियो भी लोग बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो संजीदा लोग हैं, और वो इस तरह से पाकिस्तान के लोगों को धिक्कार रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के ही लोग जो है पाकिस्तान के लोगों को धिक्कार रहे हैं कि भाई तुम जाकर के जो सबसे बड़ी जो मस्जिद है, सबसे बड़ा जो पवित्र स्थान है इस्लाम का, वहां भी जाकर के जेब कतरे का काम कर रहे हो। तो इसको लेकर के मित्रों देखा जाए तो एक पोस्टर भी किसी ने रिलीज किया पाकिस्तान के अंदर जिसमें कि दिखाया गया कि एक जो है कोई मुस्लिम मर्द वहां पे है और उसका जो बांह है वो छोटे से बच्चे ने पकड़ा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है कि वी ऑल आर बेगर्स, यानी कि हम सभी लोग जो है भिखारी हैं। तो मित्रों मेरा मानना है कि बच्चों को इस तरह के प्रोपेगेंडा बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, गलत है, और ये इस तरह के पोस्टर जो है नहीं रिलीज होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए मित्रों तो पाकिस्तान के लिए स्थिति बहुत शर्मनाक बनी हुई है, और वहां पर दरअसल हो ये रहा है मित्रों की पाकिस्तान के अंदर जो काबा के पास जो बड़ी ग्रैंड मॉस्क्यू है
वहां पे लोग जब आते हैं तो कई बार वो थक जाते हैं, वहां पे वो लेट जाते हैं, सो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कि रात के वक्त आसपास के इलाकों में सो जाते हैं। तो ये जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, ये सोते हुए लोगों के मोबाइल चुरा लेते हैं और कई बार क्या करते हैं कि वो उनके पॉकेट्स मार लेते हैं। इसमें मित्रों बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी महिलाएं भी ऐसी एक्टिव होती हैं जो कि ध्यान बटा लेती हैं, यानी कि जैसे वो किसी लड़के से जाके भिड़ जाएंगी, फिर लड़का अचानक से परेशान हो जाएगा, इसके बाद कोई उनका हाथ जो है पॉकेट से मार लेगा, उनका पॉकेट मार लेगा कोई पाकिस्तानी। इस तरह से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर कि उन्होंने खुद जा करके कोई चाय गिरा दी या कोई पानी गिरा दिया, और जब उसको रुमाल से साफ करने चले तो इसी बीच में एक आदमी जो है उनकी वहां पे पॉकेट उड़ा दी, जो दूसरा यानी कि पूरा गैंग बना के पाकिस्तान के लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि महिलाएं भी शामिल हैं और पाकिस्तान के वहां पे पुरुष भी शामिल हैं इस पूरे काम में। और मित्रों एक खबर ऐसी आई थी साल 2010 में, और ये मित्रों बहुत पुराना मामला चल रहा है, यानी आज नहीं हो रहा है, ये कई 10-12-20 सालों से वहां सऊदी अरब की सरकार परेशान है, इसलिए उसने पाकिस्तान की सरकार से ये प्रार्थना भेजी है बाद में। लेकिन अगर देखा जाए मित्रों तो वहां पे बहुत लंबे अरसे से कई, मैंने आपको अखबारों की कटिंग्स भी दिखा रहा हूं कि साल 2010 में भी वहां पे ऐसी घटना हुई थी जहां पर कि मित्रों लगभग एक पाकिस्तानी ने 30,000 रियाल और लगभग 50 मोबाइल फोन, जिसमें कि विदेशी मोबाइल फोन भी थे, विदेशी सिम कार्ड भी थे, उनको चुरा लिया था और इसको लेकर के वहां उसको सजा भी दी गई थी इसके बाद में। तो हमें तो पाकिस्तान में जब हज होता है तो सबसे ज्यादा घटनाएं इस तरह की होती हैं, इसीलिए जो सऊदी अरब की सरकार है वो इन मौके पर बहुत ज्यादा सुरक्षा का प्रबंध करती है, सीसीटीवी कैमरे लगाती है, यहां तक कि पूरे जो परिसर है वहां पर लगभग 12,000 के करीब सऊदी अरब के सुरक्षाकर्मी रहते हैं। इसके बावजूद भी मित्रों मैं आपको बताऊं, बड़ी हैरानी की बात है कि एक खबर सामने आई थी, मैं आपको कटिंग भी दिखा रहा हूं, उस खबर की फोटो भी दिखा रहा हूं कि जहां पर कि जो लोग जो है, यानी कि जो सुरक्षाकर्मी है जो कि इस बात के लिए नियुक्त है कि वहां पर किसी की जेब न कट जाए, उसके जो वहां पर हेड हैं, यानी सऊदी अरब के जो वहां पर उस सुरक्षाकर्मियों के जो वहां पर हेड थे, उनकी भी पर्स कट गई और उनकी भी जेब काट दी गई, तो इसको लेकर बहुत चर्चा हुई थी। और इसके अलावा मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं कि काबा में जहां पे एक पत्थर लगा हुआ है जिसको ब्लैक स्टोन बोलते हैं, उसको संग अस्वद बोलते हैं और उसको काफी पवित्र मानते हैं, मुसलमान लोग उसको चूमते भी हैं, तो वो जो संग अस्वद जो पत्थर है उसके आसपास भी जो है मित्रों परिक्रमा होती है, वहां परिक्रमा करते हैं उसको लोग काबा की, तो वहां पर भी मित्रों देखा जाए तो एक ऐसी घटना सामने आई जहां पे 34 साल के एक जो है पाकिस्तानी नागरिक ने उस ब्लैक स्टोन के सामने भी जो है एक व्यक्ति की जेब काटी और उसको पकड़ा गया था। तो भी जो पूरी घटनाएं हैं कुल मिलाकर के, ये पाकिस्तान को बहुत ज्यादा शर्मिंदा करने वाली घटनाएं हैं मित्रों। और अगर देखा जाए तो इसके अलावा इराक भी जो है पाकिस्तान पे आरोप लगा रहा है कि सबसे ज्यादा जो बेगर्स हैं वो पाकिस्तान के निकल रहे हैं वहां पे। तो अगर देखा जाए तो चाहे वो आपका इराक हो चाहे सऊदी अरब हो, इसने भी इस बात को लेकर शिकायत की है कि बहुत बड़ी संख्या में जो भिखारी भी हैं वो भी जो है अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से आ रहे हैं, 90% भिखारी पाकिस्तान के हैं। और जो पाकिस्तान की सरकार इससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई है, उसकी वजह ये भी है मित्रों कि इन इलाकों में यानी कि खाड़ी देशों में जो पाकिस्तान के कुछ अमीर लोग रह रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब वो बताते हैं कि वो पाकिस्तानी है तो उनको बहुत ही लोग गलत नज़रिए से देखते हैं, इसीलिए कई बार लोग बताते ही नहीं कि पाकिस्तानी, वो खुद को इंडियन मुस्लिम बता देते हैं डर के मारे कि कोई उनको गलत समझे। तो वहां पे अब स्थिति मित्रों ये हो चुकी है, यही वजह है कि अब जो पाकिस्तान की सरकार के जो राजदूत हैं उन्होंने इराक के एक मंत्री से मुलाकात करके उनको आश्वासन भी दिया है कि अब जो है इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी और जो पॉकेट मार्स हैं या जो जेब कतरे हैं या फिर जो इस तरह के भिखारी हैं उनको वहां पर जाने से रोका जाएगा। लेकिन सबसे जो बड़ी बात मित्रों ये है कि पाकिस्तान के अंदर से भी ऐसी आवाज उठ रही है, पाकिस्तान के एक अमीर टाइप के बड़े दिखने में एक व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही वीडियो वगैरह बनाते हैं, उनकी सब्सक्राइबर तो मित्रों बहुत कम है पर उनका वीडियो देखा मैंने, वीडियो अच्छा लगा, तो उन वीडियो में उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के लोग जो है वो शर्मिंदगी की सारी सीमाओं को पार करके जो है जो मस्जिद हरम है जो सबसे बड़ी मस्जिद है इस्लाम की वहां पर भी जाकर के वो इस तरह की जो घटनाएं हैं जो जेब कतरनी घटनाएं उसको मित्रों वहां पर अंजाम दे रहे हैं। शर्म से तो हम पहले ही सर नीचे किए हुए हैं हमेशा से, लेकिन वो खबर पढ़ के कि हरम शरीफ के अंदर जो जेब कतरे पकड़े गए हैं और 90% पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन खबर यह आई है और बड़ी दिलचस्प खबर भी है, लेकिन अफसोसनाक खबर मैं ज़्यादा कहूँगा चूँकि इससे मुल्क की बदनामी हुई है कि खाना काबा में जो जेबें काटी जाती हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं, यानी जेब कतरे जो होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। और दोस्तों मुझे याद आ रहा है कि एक बड़े जो है विद्वान तारिक फतेह जिनका भी स्वर्गवास भी हो गया, आप जानते होंगे उनकी मृत्यु हुई, तो मित्रों वो जो है पाकिस्तान की एक महिला एंकर के साथ में कोई डिबेट कर रहे थे और उस समय भी उस पाकिस्तान की महिला जो एंकर थी उनने उनसे पूछा था तारिक फतेह से कि भाई आप बताइए कि हमें क्या काम जरूर करना चाहिए जीवन में। तो उन्होंने ये कहा, तारिक फतेह ने कहा था कि अगर कहीं भी कोई अगर
भीख मांग रहा हो, अगर कोई परेशान दुखी हो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। तो उस पर जो पाकिस्तानी एंकर थी मित्रों, उसने ये कहा था कि यहाँ पाकिस्तान में इतने ज़्यादा भीखमंगे हो चुके हैं कि अगर हम उनको भीख देंगे तो हम खुद ही कंगाल जाएंगे। तो दोस्तों, भीख मांगना जो है वो पाकिस्तान के अंदर, खासकर पाकिस्तान के लोगों के द्वारा भीख मांगना दूसरे इस्लामिक देशों के अंदर एक बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से गैंग बना के होता है। और पाकिस्तान के अंदर एक भीखमंगा जो होता है वो लगभग 500 रुपये कमा लेता है पूरे दिन में। तो अगर देखा जाए तो वो 10,000-12,000 रुपये महीने में कमा लेता है, उससे उसका काम चल जाता है, लगभग आप समझ लो जिंदा रह लेता है वो। तो पाकिस्तान की जो पूरी स्थिति है, पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पर बना जो मुल्क है, आज किस तरह से मित्रों वो मुल्क पूरी तरह से बदनाम हो रहा है, इस्लाम के नाम पे बदनाम हो रहा है। और जो जिन्ना था उस, अगर जो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करके उसने इस्लामिक मुल्क बनाया था, अगर वो जिन्ना आज जिंदा होता और देखता कि जो मस्जिद हराम है, सबसे बड़ी जो मस्जिद है सऊदी अरब की, वहाँ पर भी जो है 90% जो लोग पकड़े जा रहे हैं जेब काटने के आरोप में, तो वो पाकिस्तानी है, तो ये जानकर शायद वो शर्म से डूब मरता और उसको अपने इस कारना जो उसने करतूत की पाकिस्तान बनाने की, इस पर उसको बहुत ज़्यादा मित्रों शर्म भी आती शायद। तो इस पूरे वीडियो को मित्रों आप जरूर उस पर अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा, अपनी बात इस पर लिखिएगा। और इसके अलावा मित्रों इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और एक नंबर यहाँ दिया हुआ है, इस नंबर को अगर आप भी मिस्ड कॉल कर देंगे, इस नंबर को आप सेव कर लेंगे व्हाट्सएप पर, तो आपको मेरे सभी जो आर्टिकल्स हैं मित्रों वो आपको व्हाट्सएप पर जरूर मिलेंगे। तो नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद। ये हमारा बारकोड है, आप हमारा वीडियो देखते हैं, आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं, तो आप जरूर हमारा सपोर्ट भी कीजिए। एक ये नंबर है 8376862585, इस पर गूगल पे भी है, फोन पे भी है, पेटीएम भी है, आप चाहें तो इस पर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप भी है, आप चाहें तो अपनी रसीद, ये रिसिप्ट, इस पर आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं।